जवानी है एक बार अपनी श्री राम को हाथ पा तेरे गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या सी तू का अज समा खीर से दर गुजस खलास अला तक गुजन वाह शमशीर दस्त ते सिख सी सिख सोधिया होया अदासा कीते होए वादे तो मुनकर नहीं सी हुंदा हुण मैं कुछ नहीं कह रहा कईयां ने मर्जी दे बन के सच पुछो कसमां खादियां ते कईयां ने अकाल तख्त सामने वादा कीता असी सब तो पहला वादा करदे पन्निया प्यारियां दे सामने कि असी केवल ते केवल अमर चेतन के असी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख बणांगे असी किसे भी बखरे पण नूं पैल नहीं दियांगे असी लोक भलाई वास्ते जिंदगी विच ना गुजारांगे पर असी सच पुछो तो निकलदियां सारी कई वारी अपने वादे भुल जांदे उस जवान नूं शहीद कीता गया जिहड़ा बचपन दे रूप च आया सी किसी ने शहरवाज तो बच्चे ने जिद की सिक्ख्या देने वाली मां अपने नाल लैके आई थी ते शहरवाज किसी ने सुगे चित दंज करके आख्या काका मन का बड़ा शौक है ते सच्ची गल है ओदी अंतिशकरण च भावे मैं नहीं लिखिया पढ़िया ओदी जबान ते पंक्ति आई होवे ते ना आई होवे पर ए जरूर एक टुकड़ी है कि ओदी मां ने उन्हूं सिक्ख्या दित्ती सी पुत्रा शहीद की जिंदगी बाकी जिंदगियों नाल वक्री होंदी है उन्हें समझो इस पंजाबी गुरु पातशाह जी की बख्शिश की जो पंक्ति के अर्थ कर दिते कि मोहे मने का चाओ है वह कहना तू सच आख्या मैनू चार ते सहज भाव उसने आखता जे बहुता चार ते जदे किते तू जा नहीं सकता क्योंकि तेरी उम्र छोटी है इतने तो असं जवानों नहीं जान देंगे तू बच्चा है ते जे बहुता चा तेन मरना तो लागे सरोवर जाके डुब के मर जा हूँ सच पुछे तो बच्चे ने भज के जाके समेत कपड़िया छाल मार दी ये चिखी है चिखी प्यारे हो हूँ तो सोखना बापू जी कृपा है गुरताकी मां मालिक करे थोड़े को दुनिया दब तो महंगा घर हो दुनिया के सब तो महंगे घर हो दुनिया को सब तो वध सुख हो क्योंकि जिस गुरु नूं असीं मत्था टेकते मत सोचो कि किसे भुखे का गुरु है या किसे लाचारगी का नाम सिखी है या भिखारियों के भिख मंगियां की सिखी है मैं तो कई बार आख्या करदा प्यारियो उस गुरु अगे असीं मत्था टेकते हाँ जिहड़ा 60,000 रुपए की धुक धुकी पा के तख्ते तौस ते बहिंदा सी जिहड़ा अपनी दस्तार ते ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੜੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਨਾ ਪੋਦਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ भगत धन्ना जी ने उस शब्द की व्याख्या की प्रिंसीपल सुखबीर सिंह जी ने कहते एक गल कर या तो मैं रोटी दे दे रोटी वधिया नहीं है ना सुखा फुलका मेरे मथे माए मैं हूँ की करा कई पक्ष सामने आ जाते हैं मैं वो नौकरी दे सी शुरू होया था मेरे ख्याल शायद महीना का डेढ़ महीना आया कि दरबार साहब के मैनेजर ने मेरी सकत्र को पेशी करा दी गुरु रामदास के नगर की तौहीन करता इन्हें आ गल मेरी पेशी हो गई सारे बैठे जी मैं विज्ञान जी तुम आ गल कही मैं कही मैं हूं भी आना लंगर एदा का नहीं होना चाहिए भी कोई खाए ही ना जी पका पका कच्चे पुरखे से सच पुछो कई बार दे दीजिए गुरसाखी महा ऐसे तो तुम ये गल नहीं कह सकते पर पंजाब जाम चलता मैं क्या किथे लिखिया ये ज्ञानी जी गुरु रामदास का नगर मैं गुरु रामदास ने आटा देता है तुम कच्चा खुआ के लोगों के ढिड पीड़ पाओगे गुरु रामदास का दोष है लंगर भी इन्ना उच्चा ते सुचा होना चाहिए सच पुछो कि जरा एक बार गुरुद्वारे जो लंगर चक जाए मुर्गी आके प्यारे मैं नहीं हो सकती क्यों क्योंकि एक पंक्ति चेते रख लियो लंगर दौलत वंडिए
रस अमृत खीर क्याली अमेरिका आयो कनेडा वाले इंग्लैंड वाले बाहर दे सीखो तो मुबारक वरना मत सोचो कि गुरु अमरदास महाराज जी के लंगर च या गुरु अंगद देव पातशाह जी के लंगर च खरे कि प्रजादे पकते हो गए एक उस वक्त भी घ्यो वाली खीर तड़के वाली मिलती सी जेड़ी माता खीवी जी देंदे सन एवें नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज च सच पुछो तो इको एक सिख हिस्तरी है गुरु व्यक्ति है गुरु शरीर है गुरु शरीर की समझो मालिक वारिश है जिन्हों माता खीवी करके आख्या जाता है ये बट भाग है साडा तुहाडा मैं कहा भाई लंगर माड़ा नहीं होना चाहिए उत्तम होना चाहिए पर सिख केवल लंगर का ही शौकीन है सिख तो सच पुछो इतने तपस्या कर आता है साधना साधनी आता है पर उतार करनी याद सीखना आता है हूँ जिस वे इस बच्चे ने जिद की उस जेद नूं पाए लगा उस वेले पंजां प्यारियां दी मीटिंग होई पंजां प्यारियां पंज सिंह साहिबानां ने अकाल तख्त ते बह के जिहड़ा फैसला पहला कीता सी उहदे च बदलाव कीता कि ठीक बच्चा जा सकता है मैं इन्नी गिरत पढ़ी मैं अजे तक भी उस बच्चे के उस थां के निशान लभदा आ पर मैनूं लभे नहीं जे पेना च लिखिया मिलता कि चीनिया वाले को जिस थान के गुरु के गो बाप का स्थान है इतिहासक उस स्थान के दरमियान उस बच्चे जी मां गई उस बच्चे समझो इस जथे में शामिल कर लिया गया हम बीटी के सिपाहियों ने समझो समा मारी डांग मारी तो बच्चे का टुट गया लक वो पिया डिग जिस वे डिगिया तो मां ने चुकिया मां ने मैं सच पुछो जो सिखी का बचपन है ना कई कुछ सामने आ जाता है कि पढ़ो जैतो का मोर्चा सिख तुरते अकाल तख्त तो हूँ जैतो कि पास जो पंजाब की जानते नहीं उस एरिए वाले उन्होंने पता होगा वह फरीदकोट वाले बने लेकिन जो जथा चलता सी अमृतसर तो चल के जाता सी बटाए बटाए तो जाता सी मुकेरिया मकेरिया तो दसूहा वाया जाके टांडा टांडे तो गढ़ीवाला गढ़ीवाला तो आनंदपुर आनंदपुर तो हुशियारपुर हुशियारपुर तो लुधियाने लुधियाने तो जलंधर ते जलंधर तो आके फिर जैतो नूं हुंदे सन क्यों उहदे लोकां नूं पता लगे कि इह जगह शहीदी देण चलिया उहनां नूं गई कमाई उहने टुकड़िया टुकड़िया कुछ इक बच्चा अगले बने चली गोली उस गोली का ओदे बच्चे का समझो सीना गया चीरिया ते मां ने पुंजे रख दिता पुंजे आप अगे तुर पई देखण वाले लोग आखणगे माई तेरी ममता मर गई ममता ते आखे कि बच्चे नूं सांभ चलो जे जींदे नूं सांभिया ते मोए दे कम तों कम पड़दा ही पा जा पर बलखार जावां उस लिखारी तों ते बलखार जावां उस मां तों जिन्हें यह उत्तर दिता आखण लगी मैं उस कंठी तरपाचा की सिंगनी हाँ जिन्हें अपने पुत्रां की लाश से पर्दा नहीं सी पाया ते मेरा तो एक पुत है ते मैनू पता है कि तुसी पंथी हो सांभ लोगे जे तुहानू दर्द है ते भलिओ तुसी पा दिओ हुण इस बच्चे का जो पुछा लक दूजी मां ने आख्या मां है तू किनू ते मां ने मैं इन्नी की जित पढ़ी दे दावा नहीं करता अपने सिर का कपड़ा हूँ जो मैं अगली गल कही तो मेरिया भैन ने नाराज हो गए मेनू इस गल का ख्याल है क्यों बच्चिया बारों आनिया ने मुबारक गुरु रहमत करे गुरुद्वारे आना बहुत चंगी गल पर गुस्ताखी माफ वो टोकरी च चुनी चुकदियां ने सिर ते लैंदियां ने गुरु के द्वारे तो निकलदियां सच पुछो चुनी फिर टोकरी च अपनी कार्यशाल के सिखी साड़ी गुरुद्वारे तक आ गई क्योंकि सानू पता कख नहीं है असि इनू ही धर्म समझी बैठे इसे काम सब कुछ ग्राहक समझी बैठे हैं तो मेरे वर्ग में ऐसा भी कौड़ी पता ना चाहिए तो मैं की कहा बिटिया बोल के दे दे के सारा भी वेख लिया तो इन्ना तो पैदा होया नहीं
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬਕ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਰੇ ਬੈਲ ਤੇਰੀ ਕੋ ਜਾਣਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚੱਲਿਓ ਨੈਣੀ ਉਗਰਤ ਵਹੀ ਡੌਰ ਕੀ ਠੀਕਾ ਨੋ ਹੈ ਜੈਸੇ ਡੇਵਰੀ ਪਟਤੀਆਂ ਦੋ ਜੋ ਚਿੰਤ ਚਿੰਤ ਖਾਗ ਜਾਤ ਵਚ ਰੋਟ ਦੋਰੇ ਪਛਤਾ ਨੋ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਨ 1900 ਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਪੌਦਾ 93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਲੱਗਾ। ਆਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਂਦਾ ਆਜਾ ਪੁੱਛੜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਨੀ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਜਾਂ ਮਾਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਂਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਆਜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਘਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਪਰ ਯਾਰੋ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਚੇਤਿਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ
अज सिख दे बच्चे अपनी कर्ज कंध में लटकिया होया तत्ती वाओ वाले सोट महले पंजे का शब्द नहीं चंगा लगता वादा गुरुद्वारे छड़ाओ मेरे कमरे के नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं ये बीबिया बच्चिया गन्ना कर करके इंग्लैंड में 6 साल ला के पता किया है मैं कहो की कारण हो गए ये जिन्ने शब्द छपे हुए ने या किसी कागज के टुकड़े से ने या किसी कपड़े से बने हुए बैनर से ने एक क्यों गुरुद्वारे रखी जाते ने आधा कहने की न्याण असं लाइक नहीं करते और तुम उन्होंने को मदीदार की कुर्बानी की आस रख लियो तो ताकि वहां पे आए हो जिन्हों कंध ना औखी कड़ी देर ना देखने देख वाला शब्द नहीं चंगा लगता वो सच पूछो थोड़े गुरुद्वारे वाले कीमत था चेकता है का जी तुम आते हो जी न्याणे को लियोने गुरुद्वारे सिक्की सिखाओ ना ये सिक्की कहते गुरुद्वारे के कंधा तक ना सीमित रह जाए गुस्ताखी माफ प्यारे हो जी साने की भी हो गई है एक कौड़ा पाता मैनू कई बार झलना पैंदा मेरा डिपार्टमेंट मेरे नाल लड़ पैंदा तेरा बेड़ा तर गया तू साड़ी भी छोई लाती वो सच पूछो स्टेज ते बाणा होर ते स्टेज तो उतनी बाणा होर इतने पग होर उतने पग होर ते जे बाजार च वेख लो ते सच्चे पास आई जे पछाण ले ते पछाण ले गुस्ताखी माफ प्यारे हो ये कौड़ा पाता की करा खा खा के मर जाना पता नहीं होर छा होना कि नहीं होना अजीतर धर्म साहब जो कौमिया के भाव एटी जा रहे जे एक प्रचारक की जिंदगी एक धर्मी बंदे की जिंदगी एडा डुबी केची वाली होगी तो मैं की आखांगा किनू आखांगा क्योंकि गुरु जी ने कसर कोई नहीं हां जे गुरु ने कोई तुहाडे कोलों वखरा लगा के रखिया वखरा खजाना रखिया प्यारे उन्हें तो अपने पुत भी तुहाडे हवाले कर दिते सी उन्हें अपने बाप की जाखरीत भी तुहाडे वास्ते छड्ड दित्ती याद रखियो दुनिया की किसी पीर पैगंबर ने सेवा नहीं किया सेवा उन्होंने आते हैं जरा एक बार ही होते तो दोबारा नहीं हो सकता तो मेरे दादे ने तो पंजा के रूप में स्थापित करके अपना सारा कुछ तुहाडे हवाले कर दिता सी इन पंजन में मेरो वासा इन पंजन में मेरा वासा होएगा ਕੋਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਦੱਬੀ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਦਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਅਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੌਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਕੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਏਕਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਉਚਿਤ ਦਾ ਪਤਕ ਤੇ ਮਾਰਿਫ ਨਾ ਧਰੇ ਪਾਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਕ ਦੇਸ ਕਸੇ ਵਤ ਨੂੰ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ਉਚਿਤ ਹੈ ਬੈਦ ਖਾ ਦਿਓ ਜਿਤ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੈਦ ਆਂਦਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਚ ਬੜੀ ਤਸੀਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਆਂਦਾ ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ ਲਿਓ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਲੈ ਦਵਾਈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਖੱਟੀ ਲੱਚੀ ਨਾ ਪੀਵੀ ਲੰਗਦਾ ਚਾਰਾ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇ ਲੰਗਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰੀ ਕਿ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ? ਗੁਰਦਾਸੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਿਓ ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬਈ ਮੈਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੋਏ ਦਿਨ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ। ਹੁਣ ਚੂਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਟਾ। ਦੋਏ ਦਿਨ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਅੱਧ ਦਿਨ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਜੀਵਾ ਲੈ, ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌ ਪਾਈ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਈ। ਸਿੱਖੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੂਟਾ ਜਾਂ ਟੱਟੂ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤਾਜਨਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੁਰੀ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਲੁਗਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਪੈਣ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੁਠਾਇਆ ਖਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਜੀਵਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਇੱਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੰਨ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਚਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਭੇਜਣੀ ਹੈ।
पीर नूं भी आने की सोना किदां लगदा हो। आम बंदे ने तुसां ने सुनिया होगा भी वो पीर स्वर्णमुखी हुंदे ने। हुण सोने दे पीर नाल दुश्मन नहीं बनदा, क्यों? सोना मुड़ जांदा, सोना विच कीड़ा हुंदा है। असल विच जो इतिहासकार आंदे ने, मेरे दादा जी ने सम दे तौर ते विचकाए सोना लाया जांदा सी सवा तवा तोल के। मेरे दादा जी ने तीर चार प्रकार के लिखे मिलते किसी का चेता रह गया देश पक्ष में बोलना सोचो सीखी किसी ने आवाज दे दी आखिया लैना अपने पुत्र जा जाके एदा इलाज कर। उस बच्ची ने उस मां ने उस धी ने अपने सिर का कपड़ा उतारिया इतिहासकार का अद्धा पाड़िया अद्धा अद्धा पाड़ के अपने पुत का लक एदा वधा जिवें निहंग सिंह अपने लक के दुआले कमल कसा करते ने। कमल कसा ऐसी आके कमल कसे के पापे के होर कल चेते आ जाती है। शाह सभा शेरे पंजाब की मुलाकात हुई रोपड़ के स्थान से ना उन्ना उ 1935 बोरा बड़ा चला सी। मैं क्या देखा वो मन से सिख ने जटा जूट खरे जिदा इन्हों के केसा का हिसाब किताब है इदा खरे इन्हों को कोई कवायद भी हो ना हो जितों की जानते हो अजाड़ा पा देते हो जो कि सिखों आम तौर पर उजाटी पेश किया गया। पर जिस वे उन्हें तक पहुंचे रोपड़ के स्थान से संधि करने तो पहला सिखा दिया कलावान वेखिया हैरान हो गया। अखंडता हद हो गई इन्ना सिख चढ़ती कला वाला मैं इस गल का सची गल खुशी है। मैं कोई थोड़ी सिफत च नहीं कहता जेडे मैं जानते उन्होंने पता कि भैड़े के हथों अपनी मां की सिफत नहीं लिखी कि कितों हो। लेकिन एक जो मैं वेखिया भी इतने गदका सिखाया जाता एक निहंग सिंह ओरी मंजी से पुनुवाता मंजे से दो चीजा वो हाथ पाल दिया उन्हें चौंकड़ा मारे है थले छता कां। हम तुम दसो भी कां कि चलाक होंगे वो भी चारा करिए उस वे भजा पर निहंग सिंह ने गदका कि रब नहीं रब जानता। पर मैं जितने ज्ञानी करतार सिंह कलास वाली चीज पढ़ी है वह कां उदों पता लगा जो सिर वखरा हो गया। सिख आलसी का ना नहीं सी विलासी का ना नहीं सी सिख के उस शस्त्रबाजी का ना सी सचमुचो जेदे वल वेख के लोग दंग रह जाने। जदों शेरे पंजाब ने कला वेखी तो गोरियां की लिखत लिखण वाला आंदा कि गोरे ने अपने मूंह चुंगल पाली कि जिन्ना सिखा का बादशाह इदा का आंदने घोड़े से चढ़ के तीन फुट उच्चा किला कढ़िया गया। उस किले के उत्ते चांदी का कड़वा रखा गया चांदी का शेरे पंजाब तीन बारी अपनी घोड़ा भजा के समझो सजे गया तीन बारी वापस खबे गया। समझो तीन बारी जांदियां ते तीन बारी आउंदियां जांदियां जांदियां वो इक्के बारी तुसीं घोड़े की दौड़ वेखी हो हाथ की पकड़ वेखी हो मन की ताकतता सुनियो तीन बारी जांदियां जांदियां अपने हाथ वाली तलवार नाल इस गड़बे ते टक्क लाउंदा सी तीन बारी जांदियां ते तीन बारी आउंदियां। जदों इहने छे बारी जांदियां छे बारी आउंदियां तकरीबन तकरीबन 24 या 48 तक लाए उस वे जो गड़वा चुके वेख्या तो एक फुल की न्याई बनिया सी जिद तो प्रतीत हुंदा सी भी पहले तक लाया दा इहनूं पता सी भी किहड़े पासे नूं ला के गिया आउंदियां ने। इह हुण चिट्ठी दी साधना ना जी और मेरे वर्गे ने गोडे तक पूछो परेशान हो जाते जपजी का पाठ कर लगे अगौने से अभी छेकियां क्यों असी साधना छड़ दी है गल सीखी दिया करते हैं पुछते जरूर हाँ हूँ दवाई तो लगी जी उन्हें आखिर तत्ते पानी ना खाई तरतीब न खाई इन्हों इन्ह चीजा तो भेट करी तो मेरे वर्गा सची गल ठंडी लस्सी तो वह भी गुड़ पा के पीने का शौकीन वो जाके आखन लगा इतने कहना वेदा नाले आपे ही आते भी दवाई नहीं अपना आदर करना है दवाई के अंदर जानी चाहिए है पानी से लगाने का साध नहीं है ना किसी तरह लंघ जाए उन्हें सोखना घर वाली कहता भी लच्छी ना जे हाँ गुड़ भी माथा पानी
खा के किन्ने खुराकां ते जा के मुड़के जिधर आ जी तुसीं बाबे नाल आवां करदे आ ते कदे कदे ग्रंथी दे दुआले होंदे कि भाजी तुम्हारा राज भी चली छोड़ी मेरी गुरु ने सुनी ही नहीं। हुण गुरु रोज सानू तुहानू हुक्म चाहुंदा है कि गुरु सतगुरु खा जो सिख खाए जो फल के उठ हर नाम क्या होए किन्ने कदे होणी है जी। ये कदा किसी एक दे मंडे ते नहीं आया जां कदा ये भी नहीं आया। देखो मैं किंतु नहीं करता जे तुसीं घर ते होंदे हो ते मुबारक, जे कम ते जांदे भी ते होंदे तां भी मुबारक, जे कम करदियां भी ते होंदे तां भी मुबारक। जे सच पुछो मैं ते इदां दा भैड़ा भी जद रोटी खाण लगे ही आख लो, पानी पीण लगे ही आख लो, कपड़ा पाउण लगे ही आख लो, सवेरे उठण लगे ही आख लो, मूंह धोण लगे ही आख लो। मैं पढ़ता था भाई वीर सिंह नूं अपने सिंक तक अपने नलके तक तुर के जाता ही है, जो फर्ज करो पांच कदम तुर के जाते एक कदम उठन लगे एक बारी बाद हुआ को पांच बारी जाने आख्या जाना पंद्रह सौ बारी हो गया बारह महीनिया एक साल किन्ना सिमरन हो गया जी। इनू मेहनत मिथा आता है तुझी कई बार कार चढ़ने जाते बापू जी कृपा ने कहा जी कि मैं मेरे वाला भजा कि दूर का आता भी मील से जाना ते जे तुझी घटो घट भी सच पुछो भी मील से जाते जे 60 मील की स्पीड से भी जाओ तो कम से कम 20 मिनट से लगते हैं गुरुद्वारे भी पता बना हट गया भी भाइयों वास्ते ही है। परमात्मा सच पुछो ते सामने मनन वाली गल है ते मन्ना किता दूसरे चो वेख के भी ये भी सिख है ये भी गुरु का खालसा है ते मैं भी गुरु का खालसा है ते खालसा गुरु का ही परमात्मा का है। हुण बोलो खाली वाहेगुरु जी का खालसा मुड़े दे अर्थ बनाओ। खालसा गुरु गोबिंद सिंह का नहीं है, खालसा सच पुछो तो गुरु नानक का भी नहीं है, पर कितियो खालसा परमात्मा की मौज। जदों असी फतेह टिड्डी बनाउने सच जाणो असी रब वल पिट कर रहे हैं। जे मैं इंज भी कह रहा कि गुरु ने कहे हुए वैद के दसे हुए सिद्धांतक पक्ष तो असी इनकारी हो जाते तो मुड़के लड़ते बाबा साड़ी फतेह नहीं हुई, सानू तो फतेह मिली नहीं, असी इन्ने शहीद करवा लिया। जे मैं शहीदा की दासना का तो समा लग जाएगा क्योंकि समय पर मेरा ध्यान दे रहा यारियो हाथ जोड़ के बेनती है दोषी जिन्हों मर्जी ट्राई करो मैनू कोई इहदे नाल वास्ता नहीं पर सिखी अपने घर तो शुरू करो, सिखियां अपनी गोदां तो शुरू करो, सिखी अपनी इखलाक तो शुरू करो, सिखी अपने आचरण तो शुरू करो। क्यों सिखी की दवाई नहीं जो लभनी जो तुम ओदा लगो जिन्हें चेर तक साढ़े घर तो सिखी ना हुई तुम सोचो खा बेटी किसी माँ का पुत सी किसी मां का कुछ निकी निकी बच्चे
एक टूक मात्र शासन बेनती करके जेड़ा वेरवा मान साहब ने अपनी इस्तीफे किया मैं पार्टी बाज नहीं हाँ पर जो सच्चाई वो कहने को बुरी नहीं करता राष्ट्रपति के रिमाइंडर में जो नकल मेरे को अपनी लाइब्रेरी पई कर लिखा सी कि मैं इस करके फौज छड रही हाँ इस करके अहुदा छड रही हाँ कि तुहाडे जालमां ने ते फौजियां दे बच्चियां नूं नहीं बख्शिया एक वो बच्ची जिहड़ी फौज दे कमांडर नूं कह रही है कि जिहड़े बच्चे नूं तेरे सिपाहियां ने शहीद किया वो बच्चा एक फौजी का सी नालमां नूं मैं आख्या सी इहदा प्यो फलाणी थां ते ड्यूटी ते है लेकिन उन्हें इन्ना कह के ये सप का पुत सप है बच्चे लत्तां तो पकड़ के कंध नाल पटका के मारे असी सिखी गुआ के जे केवल सुखा च पै गए प्यारे सिखी किधर नू जाए क्योंकि एहो हालत ना हो जाए पूजित है पकत तै मार बिना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातों से हो जाइए पूजित है वैद खात औचना संजम से कैसे मिटे रोग सुख सहज न समाइए उचित सुहागन कर्म के दुहागन के हृदय वे विचार सत सेजा बुलाइए गाए सुने आंखें मीचे भाई जी ने शीशे ने ना मैनू बख्शिया मैं कौन वाया क्या ना ते ना सच पूछो तुहानू बख्शिया गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद गुरु उपदेश चलो हृदय न समाइए हृदय तो गुरु के सिख बन के अपने घर से अपने कमां से अपन आने जाने वाले थावान से अपनी जिंदगी सिखी के प्रचार प्रसार वास्ते अपने ही सिख विश्वास में ला देंगे तो जाके सचो के सू सिखी की वो आनंद की अवस्था प्राप्त होगी जिदे सा लोग ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵੇਗਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਨਤਾ ਲਿਓ ਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ अपने जिसम पालन वाले बच्चे पढ़ा सकती है संसार की विद्या दे सकती है गुरमुखी विद्या क्यों ना देगी एक टूक मात्र बेनती करते हैं गोरिया ने कोशिश की थी कि वह घर पकड़ लो वो परिवार पकड़ लो वो खानदान पकड़ लो जिन्हें साड़ी विरोध कर गुरु के बाग का मोर्चा ला के जथेदारे जथे गिरफ्तारी दी है लेकिन जो रजिस्टर खोलिया गया उसे इको ही गल लगती थी पिता कौन है गुरु गोबिंद सिंह थोड़ी माता कौन है साहब देवा वासी कितों के आनंदपुर के वो जिन्होंने लिखकर बोलिया लाने तो आई रब की पता कि सिख कितों आते हैं इन्नी की आनंदपुर की आबादी ही नहीं है जिन्हें उसे लिख दिते गए हैं इस करके सिखी एकता के वाकवा पद मजबूत करिए लोग सदा थोड़ा शुक्रिया लोग की सुविधा बनाइए पूरा चुका नहीं माफी हाँ जी आपके सारे का धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।